कश्मीरी पंडित समाज के साथ बर्बरता की तस्वीरें हमने 90 के दशक में देखी। वहीं डोडा में 1996 में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब कुछ लोग ऐसे थे जिनको पलायन का दुख झेलना पड़ा और पलायन करकर विस्थापित का एक दर्जा मिला और पलायन करकर जम्मू की ओर आ गए ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन मेरे साथ एक शख्स है जिनके पिता को आतंकियों ने अगवा किया था। वो समय कैसा था और आज का समय कैसा है, क्योंकि आज इनकी बेटी का जो अधिकार है वो इन्हें नहीं मिल रहा है, पूरा परिवार इनके साथ है और एक ही उम्मीद है कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इनकी सुध लेगा। जी, आपसे जानना चाहूंगी क्या हुआ था। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा, मैं डोडा का रहने वाला हूँ। मेरे 90 में मेरे फादर साहब को मिलिटेंट 8 मिलिटेंट रात को आए थे। मैं उस समय छोटा था, तो अंदर दरवाजा खोल के मम्मी बाहर निकली तो उनको बोला आर्मी वाले बुला रहे हैं, वर्दी उनको पूरे वो कपड़े दूसरे लगे हुए थे। फिर मिलिटेंटों ने रात को ले गए, तो कम से कम हम दूसरे दिन एफआईआर करने गए डोडा में। रास्ते से सरपंच साहब थे, नायक साहब, उन्होंने वापस भेजा हमें कि आप वापस चलिए, कि हम ये मसला जो शॉर्ट आउट यहीं कर। उम्र क्या थी उस समय? मेरी उम्र कोई 12 साल थी उस समय, 12-13 साल उम्र थी मेरी उस टाइम। 12 साल में वो दहशत देखी आप? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैं स्कूल जाता था, हमारा स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल, वो भी जला दिया था। मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वो जल गए थे। तो वहाँ से फिर हमको पलायन करना, उसी रात को 5वें दिन मेरे फादर साहब को खुद छोड़ने आए थे घर में। तो जब छोड़ा तो उसी रात को फिर हमने पलायन किया, हम यहाँ पे जम्मू में आते डर के माहौल में, डर के साए में जी रहे थे कि जान बचानी। बिल्कुल, मेरी सिस्टर की शादी थी, कोई 1 महीना था सिस्टर की शादी को, तो हमने वो शादी भी ऐसे ही छोड़कर तो हमने जम्मू पलायन किया। वैसे हमने लाया वहाँ से कुछ नहीं, जैसे जो कपड़े पहने हुए थे उन्हीं कपड़ों में हम जम्मू में सेटल हो गए। तो यहाँ पे फिर फादर साहब को गोली भी लगी हुई थी, फिर यहाँ पे ऑपरेशन हुए, फिर उनको बहुत सटीकल किया हमने। उसके बाद फिर यहाँ पे हम रहने लगे किराए पे, उसके बाद हमने पंचायत भवन में रेलवे रोड पे रहने लगे। उसके बाद हमको आज क्वार्टर भी दिया है जगती में, हम जगती में रहते हैं। मेरे तीन बच्चे मेरे चढ़ाए हुए इसी डिपार्टमेंट में राशन कार्ड पे जी, और ये तीसरी बेटी है मेरी, ये छोटी वाली है, इसको नहीं चढ़ा रहे हैं। हमारे इतना भेदभाव हमारे साथ कर रहे हैं, नहीं जी आप डोडा माइग्रेंट, अब हम डोडा माइग्रेंट। पूछ रहा था ना, पहले जो 2 बच्चे थे वो भी तो मेरे ही थे। इनके पास जब जाओ तो ये बोलते नहीं जी वो पता नहीं किसने चढ़ाए, बहुत सारे कमिश्नर आए ना उसके बाद। कोई मतलब माइग्रेंट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहे, आरबीआई सर्टिफिकेट बस उनको चढ़ाया है, बस बेनिफिट कोई नहीं दे रहे, बस नाम रखा हुआ है उनका। मेरा मैं चाहती हूँ मेरा भी नाम हो, मेरा स्कॉलरशिप्स मिले, स्कॉलरशिप 12th के बाद स्कॉलरशिप स्कीम्स मिलती है, मेरी 82.2 आए 12th में, तो मैं भी चाहती हूँ स्कॉलरशिप्स वगैरह मिले मुझे। आरबीए सर्टिफिकेट मेरी भी बने, मेरी दीदी अभी हैं, मेरे भैया हैं, वो ऐसे ही हैं, ग्रेजुएशन की है दोनों ने, कोई भी जॉब नहीं है, घर में एक ही पापा कमाने वाले हैं, कैसे हम गुजारा करेंगे घर का। अब हम इतने एजुकेट होके इतना पढ़ लिख के क्या फ़ायदा उस चीज़ का, हमें कोई सहूलत ही नहीं है उस चीज़ की। तो आपने क्या सोचा था कि अगर नाम जुड़ जाता, अगर लिख देते, बेनिफिट्स मिल जाते तो क्या करना चाहती है? सर मैं स्टार्टअप करना चाहती थी, अपना बिजनेस करना चाहती थी, बीबीए करके स्कॉलरशिप लेके बीबीए करके एमबीए करके मैं अपना एक स्टार्टअप करना चाहती थी कि लोगों को भी रोजगार मिले, जो महिला वगैरह है हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी एजुकेटेड महिला नहीं है, इसीलिए हमें दबाया जाता है महिला। अब तो हम एजुकेट है, हमें पढ़ाया लिखा है, किस इन्होंने पढ़ाया लिखा है क्यों हमें, कि हम इनका सहारा बने आगे, जब हमें कोई फैसिलिटीज वगैरह ही नहीं दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मेरे तो बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, मैं आगे कहीं पे भी अप्लाई करना है मुझे, मैं कैसे करूंगी कहीं जॉब वगैरह के लिए कहीं पे भी। जानना चाहूंगी आपके साथ क्या हुआ। जनाब मैं वली मोहम्मद खान हूँ, डोडा माइग्रेंट प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारे साथ ये हुआ कि मैंने बच्चे लाए थे वापस श्रीनगर से, ये आतंकी ले गए थे, 7-8 बच्चे ले गए थे, उसी पर मुझे सजा दी थी। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी फोटोग्राफ्स भेजेंगे। 3 किलिंग केस हुए हैं मेरे, 3 किलिंग किए हैं मेरे उसी यूज में मेरे 3 किलिंग किए हैं। उसके बाद मुझे जो टार्चर मुझे किया है ना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको फोटो, अभी भेज देंगे घर से सेंड करके, वो फोटो दिखाऊंगा। देखो ये हाथों की हालत, ये देखो ये अंगलियां, ये तोड़ दी है मेरी आतंकियों ने। तो उसके बाद हम माइग्रेंट हुए, मगर हमारे साथ माइग्रेंट्स के साथ ये इतना भेदभाव हुआ, हमें कोर्ट के बगैर कोई चीज नहीं हुआ है आज तक। हमने जो भी कुछ हुआ है हमें कोर्ट के थ्रू, हमारे बच्चे इस वक्त मेरे 3 किलिंग मशन, 2 बच्चे की डेथ होगी, मदर की डेथ होगी, वो उतार दिए मगर चढ़ा नहीं दिए। मुझे 4 बहुएं हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं, एक को भी नहीं चढ़ाया। हमें कोई भी बेनिफिट ये दे नहीं रहे हमें डोडा माइग्रेंट्स को, हम हैं टोटल 153। मैंने धनेश्वर जी को भी कहा था, राजनाथ जी को भी कहा था, मैंने कहा 571 सरेंडर मिलिटेंट हैं माइग्रेंट,
और हम 153 टोटल हैं डोडा के, हमारे साथ भेदभाव क्यों, उनके साथ क्यों नहीं? जिन्होंने हमें मार के भगाया इधर, उनको माइग्रेशन मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है? ये कौन सा भेदभाव है? जितने भी मेरे कमिश्नर आए आज तक, इन्होंने सिर्फ मुंह का स्वाद रखा हमारे साथ और हमारे साथ मतलब अच्छे तरीके से काम। जहाँ तक मैं बोलूँ डोडा में, वहाँ पर आपने ये दहशत का माहौल देखा, तो डोडा के बहुत से नेता है जो आज भी कहते हैं कि आतंकवाद की जद में था डोडा और निकला है, उभरा है, तो उन लोगों को वो गवर्नमेंट के खैर ख्वाह है ना, वो अपने सर लेते नहीं है ना, नहीं तो डॉक्टर जितेंद्र नहीं है, वो तो उसको पूरा पता है ना, उसके गांव में जो शादियों की शादियां उड़ा दी हैं उसको पता नहीं है? गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उसके भाइयों का, उनके भाइयों की ये ले ली, गने ले ली, क्या वो उस वक्त माइग्रेशन नहीं, वो उस वक्त मिलिटेंसी नहीं थी? मतलब ये डॉक्टर देवेंद्र राणा है, इसके भाइयों की वहाँ किलिंग नहीं उस गाँव में, शादियों की शादियां उड़ा दी, और मतलब वो है गवर्नमेंट के खैर ख्वाह कि अपने सर लेता नहीं है कोई भी, कि हम नहीं जी हम माइग्रेशन को दबाएंगे, ये है वो, हमें कह रहे थे वापस जाओ, हमने कहा आप सुकोटी मत ले जाओ, जाओ खाली पीछे, हम मानेंगे तब हम माइग्रेशन वापस जाएंगे, नहीं तो अगर हमारे आप कहते हैं कि नेताओं की भी सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, फिर वो देखते हैं कि वो कैसे जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, हमें कहते हैं ना तुम वापस जाओ, हमें अगर हमने गवर्नमेंट का काम किया है, मतलब हमने गवर्नमेंट के साथ हमने आश्वासन किया है, तभी तो हम माइग्रेंट हुए हैं। मदद की है मैडम, हमने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की है। अभी देखो जैसे मेरी चार बेटियां थी, ठीक है, चार बेटियां थी मेरी और एक बेटा था, लास्ट में हुआ था वो भी, जब हम वहां से प्लान करके यहां आए तो वो बेटा उसका जन्म यहां हुआ है, तो उसके बाद 25 साल का हो गया वो लड़का, आज तक वो राशन कार्ड पे नहीं है, और जब डिक्लेरेशन फॉर्म बना तो देखो ये माइनर में लिखा है, जतन है ना नाम लिखा, माइनर में लिखा है लड़का, और चार बेटियां हमने उतार दी वहां से, ठीक है, जब उनकी शादी हुई जवान हुई पढ़ लिख के, हाँ तो चले गए, ठीक है। अब रह गए ये एक लड़का रह गया, एक ही बच्चा है मेरा, अब वो अभी राशन कार्ड पे नहीं है, ग्रेजुएशन करके घर बैठा है, यानी बेरोजगार है। बेरोजगार भी निशान मौजूद है सर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। रात को भागे हम, कोई हमारे पास वहाँ लगे हुए कपड़ों में आए थे, लेकिन जो कश्मीरी पंडित समाज के लिए नेता आगे आते हैं वो ये बोलते हैं सिर्फ कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ थे, हाँ जी जी, लेकिन वही आए जिनके जो मिलिटेंटों के साथ मिलकर रहते थे, हमने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की वहाँ, और उसका खमियाजा आज हम ये भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने देश के लिए वहाँ काम किया और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बचाया, अपने आप को भी बचाया, और अब जब यहाँ आए तो हमें कोई पूछता ही नहीं, और फिर कोर्ट का दरवाजा खड़काकर हम 96 में रजिस्टर हुए, 97 में, अब हमारे बच्चों का नाम ही नहीं चढ़ता उस पर, ना उनका पीछे रिकॉर्ड है ना इधर रिकॉर्ड है, तो जाएं कहाँ, ये तो भविष्य पूरा खराब हो गया बच्चों का। देखिए साफ तौर पर जहाँ हमारा भविष्य जो था वो अधर में अटक गया था और हमें पलायन करने पर मजबूर किया गया, हम पर एक नाम थोपा गया जिसमें हमें माइग्रेंट कहा गया यानी विस्थापित कहा गया, अपने ही डोडा से विस्थापित होते हुए ये तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए जम्मू की ओर आए, इनके कदम जम्मू की ओर बढ़े, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि राशन कार्ड व्यवस्था जो चलाई जाती है जिससे सरकार की तरफ से राशन जो है कुछ कम दामों में दिया जाता है, वहां पर इनके बच्चों का नाम जो है वो नहीं जोड़ा जाता है, जिसके बाद तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो फायदे हैं, जो स्कॉलरशिप्स हैं, इनके बच्चों को नहीं मिलते हैं, जिसके बाद गुस्सा जो है एक बार फिर से फूटा है रिलीफ कमिश्नर के खिलाफ, और सवाल यही है कि आखिरकार कश्मीरी पंडित समाज के लिए जब आप लोग आगे आ सकते हैं तो डोडा माइग्रेंट्स के लिए क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि दर्द तो दोनों ने ही आतंकवाद का झेला था उस समय। आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते विश्व जो मुसलमान।